भगवान के मन में विचार आया कि क्यों ना आज मैं ब्रज में रास करूं। आज प्यारे ने शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि ये पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र हैं और महाराज प्यारे ने यमुना के तट पर बैठकर ये कदम्ब के वृक्ष के नीचे जो आज मेरे गोविंद ने मेरे बांके बिहारी ने अपने बांसुरी का मुरली का निनाद किया है। प्यारे ने जैसे वेणों को बजाया, वेणों को बजाते ही पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। ऐसे वेणों बजाई है प्यारे ने, पूरी प्रकृति आनंदित हो गई। ब्रह्मानंदी विषयानंदी जीव भी जिसको सुन करके अणु हो जाए वह है मेरे गोविंद की वेणु, वह है गोविंद की वेणु। प्यारे ने जैसे वेणु का निनाद किया है, अमृत बरसने लगा चंद्रमा की चांदनी के द्वारा, पक्षियों का कलरव होने लगा, ठंडी ठंडी पवन चलने लगी, यमुना के जल में हिलोरे उठने लगी, दिव्य वातावरण हो गया, पक्षियों का दिव्य कलरव होने लगा। गजब की बात है मसूरिया श्री वृंदावन मसीहा की, तारीफ करो मुरली मुरली के बजैया की, जहां न काम चलता है तीर और कमानों से, विजय न तीव्र होती है वहां मुरली के तानों से। बड़ा ही सुंदर सुंदर आपने दर्शन करे महाराज, पवन चलने लगी, प्रकृति आनंदित हो गई, पंछियों का कलरव होने लगा, वृक्ष मानो झूमने लगे, वृक्षों में लगे जो पुष्प हैं, जो फल हैं, जो पुष्प फल वृक्ष भगवान के चरणों पर समर्पित कर रहे हैं। वाह प्यारे अद्भुत चरणों में जा रहे हैं, वाह आप जरा दर्शन करें। यहां एक बड़ा सुंदर भाव है, ये वेणों भी कितनी अद्भुत है, इस वेणु ने भी कैसी तपस्या करी है कि भगवान इसे अपना अधरा मृत पान कराते हैं, भगवान इसे अपना अधरा मृत पान कराते हैं। इस वेणु ने भी कैसी तपस्या करी है देखो, और जितना भी भगवान कन्हैया का स्वरूप है जो उनके श्रृंगार पर विराजमान है, मुकुट उनके सिर पे है, कंगन उनके हाथों में, माला उनके गले में, और जो भी श्रृंगार उनके तन पर सुशोभित है, लेकिन वेणु के मुकाबले किसी को भी इतनी सेवा का सौभाग्य नहीं मिला, वेणु के बराबर कोई प्रेम किसी को नहीं मिला। ये वेणु ने ऐसी कौन सी तपस्या की कि वो तो सीधी जाकर के भगवान के होठों पर रखी, वाह सीधी होठों पे है। एक दिन की बात है, कन्हैया वेणु से कहने लगे, हे वेणु देख मैं तेरी कितनी सेवा करता हूं, तू भी मेरा छोटा सा काम कर दे, मैं तेरी इतनी सेवा करता हूं वेणु कि इतनी सेवा तो मैंने अपनी कभी मैया की भी नहीं की, इतनी सेवा तो हमने अपने माँ की भी नहीं की जितनी हम आपकी कर रहे हैं। वेणु ने कहा मेरी और सेवा, प्यारे आपने क्या सेवा करी मेरी और कब करी, तेरा बताओ तो क्या सेवा कर दी जो आप मुझे इतना एहसान दिखा रहे हो। स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान कहते हैं वेणु मैंने तेरी जितनी सेवा की है ना इतनी तो मैंने कभी अपनी माँ की भी नहीं करी, मैया की भी नहीं करी, क्या सेवा। तो ध्यान देकर सुना, सुने वेणु की क्या क्या सेवा हो रही है। प्रभु कहते हैं अपने होठों की तुझे तकिया लगाता हूं वेणु,
ध्यान देना सुनना। भगवान कहते हैं बहनों सुन, तेरी कितनी सेवा करता हूं, अपने होठों की तो तुझे तकिया लगाता हूं और अपने हाथों की शैया पर तुझे लिटाता हूं, और जब मैं तुझे फूंक मार के बजाऊं बहनों तो मान मैं तुझे लोरी गाना के सुला रहा हूं। जब तेरे क्षेत्रों पर मेरी उंगलियां चलती हैं तो मान बहनों मैं तेरे चरण दबा रहा हूं। जब तू बजती है और ये ठंडी ठंडी पवन चलती है, मेरी ये घुंघराली अलका बलिया उड़ उड़ के तेरे ऊपर लहराती है, तो मान बहनों मैं तुझे पंखा करके सुला रहा हूं। देख कितनी सेवा करता हूं तेरी। बहनों ने कहा ठीक है ठीक है, थोड़ी सी सेवा क्या की, फट से एहसान दिखा दिया, अब बताओगे भी हमें करना क्या है। बोले इस 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी भी ब्रजांगना है, ब्रज गोपियां हैं, उन सबको ऐसी सुनाई देना कि उनको ऐसा लगे कि कन्हैया हमारा नाम लेके हमें पुकार रहे हैं, वो सब दौड़ी चली जाए, उन सबको बुला लो। आज ऐसा ही हुआ, जैसे ही प्यारे ने वैणों को बजाया, वैणों का निनाद प्रारंभ किया, आप दर्शन करें 84 कोस के ब्रज मंडल में रहने वाली जितनी भी ब्रजांगनाएं हैं, जिन जिन गोपियों के कानों में वैणों की आवाज जा रही है, उन सबको ऐसा लग रहा है कि मानो कृष्ण हमारा नाम लेके पुकार रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, मेरी जगह किसी और को ना बुला लें। तो जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को वहीं छोड़ के भाग रही है। दर्शन कर ये गोपी अपने बालक को गोद में लिटाई थी, स्तनपान करा रही थी। जैसे उसने वैणों की आवाज सुनी, उसे ऐसा लगा कि कृष्ण मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए। उसने बालक को पंडल में छोड़ा और दौड़ पड़ी प्रभु को मिलने के लिए। एक गोपी गाय दुह रही थी, दूध निकाल रही थी गाय का, और जैसे वैणों की आवाज कानों में सुनी, दूध का पतीला वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए, मुझे बुला रहे हैं, पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, तुरंत चलो। दौड़ पड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, इतने में ही बहनों की धुन उसके कानों में आई, उसे लगा कि प्रभु मेरा नाम लेके पुकार रहे हैं। श्रृंगार करते समय ही जैसे उसने बहनों को सुना, अब तो जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगी, उल्टा सीधा हो गया, नाक की चीज कान में डाली, कान की चीज नाक में डाली, आंखों पे लगाने वाली चीज होठों पे लगाई, होठों की चीज आंखों में लगाई, उल्टा सीधा श्रृंगार कर लिया और चली जा रही है मिलने के लिए, कहीं देर ना हो जाए, मेरी जगह किसी और को ना बुला ले। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, लहंगा पहन लिया, फरिया पहन लिया, चुप्पी ओढ़ना ही भूल गई। सुखदेव स्वामी कहते राजन इन गोपियों के वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए। इतना ही नहीं, एक गोपी भोजन पका रही थी, एक चूल्हे पर दाल बन रही है, एक चूल्हे पर खीर बन रही है। अब जैसे ही मारे वैणों की आवाज सुनी, अब मन तो उधर चला गया कि वो मुझे बुला रहे हैं, पहुंचने में देर ना हो जाए, और मैं तो अभी भोजन ही बना रही हूँ, तो जल्दी जल्दी बनाना तैयार शुरू कर दिया, जल्दी जल्दी दाल चलाए, जल्दी जल्दी खीर चलाए, खीर की चीनी दाल में डाली, दाल का नमक खीर में डाला, उल्टा सीधा बना के तैयार। पति चिल्लाया अरे जल्दी ला, भूख लगी है, तो कहने लगी लाई। अब घर के पीछे बंधी थी गाय, वो भी चिल्लाई, बोले तेरे पास भी आई, तुम्हारा जल्दी जल्दी सब काम करने के चक्कर में पति के लिए जो थाली लगाई वो दौड़ी दौड़ी गई गाय के आगे रखा, और गाय का भूसा का टोकरा लेके आई वो पति के आगे रखा, और दौड़ पड़ी प्रभु से मिलने के लिए। बात ऐसे है, ये जानबूझ के नहीं कर रही है ऐसा, ये सिर्फ जानबूझ के नहीं किया। सच बताएं, एक अच्छे भक्ति की यही परिभाषा है, उसका चित्त अभी मेरे गोविंद की तरफ है, उसे ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रही हूं, उसे यहां का कुछ भी नहीं पता, उसका मन अभी भगवान में है। आप हंसो मत,
कभी कभी ये स्थिति तो हमारी भी हो जाती है। जब हमारे घर में कोई विशेष अतिथि आ जाए तो खुशी में हम इतने भूल जाते हैं, या तो चाय में चीनी बिल्कुल नहीं डलेगी या दो तीन बार डलेगी, या तो घोर मीठी या बिल्कुल ही फीकी, या तो सब्जी में नमक बिल्कुल ही नहीं या फिर डबल डबल। तो ये स्थिति तो हमारे साथ भी हो जाती है जब हमारा मन कहीं अटक जाता है, अत्यंत प्रसन्न होता है। आज हजारों लाखों भूखी हमारे उस प्राण प्यारे की वेणु को सुन करके थोड़ी चली आ रही है। बड़ा ही सुंदर भाव है। आगरा दर्शन करें, आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं यहाँ सभी गोपियां चली आ रहे हैं बड़े सुंदर भाव से। बड़ा सुंदर भाव चुप चुप रो कहां दुनिया से चोरी।
Vamos.
हजारों लाखों गोपियां सभी अपना के तट पर कदम रखे वृक्ष के नीचे बैठे मेरे गोविंद के पास आकर खड़ी हो गई। अर्धरात्रि का समय जैसे ही प्यारे ने नेत्र खोले तो क्या देखा, हजारों लाखों गोपियां सब आ चुकी हैं, यानी मैंने जिन जिन को बुलाया वे सब आ गए। सुनते ही देखते ही मुस्कुराने लगे, कहा बांसुरी से, अरे वाह बहनों तूने तो मेरी बात मान ली और जैसा मैंने कहा वैसा तूने वो मेरा सब काम कर दिया, खुश हो गए। आहा यहां ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो गए, वाह बहनों तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीते मानिषा आजगुरुण्योऽन्य मलक्षितोद्यमाः सयत्र कान्तो जवलोल कुण्डला। हजारों लाखों गोपियां खड़ी हैं, प्रभु उन सभी गोपियों से कहने लगे, स्वागतम हो महाभाग प्रेम किम करवाणि वह प्रजस्यानामय गच्छत् ब्रूत आगमन कारणम। हे महाभागा हे गोपियों आओ मैं आपका स्वागत करता हूँ, पधारो। बड़ा अद्भुत स्वागत किया, दिव्य स्वागत। अब गोपियों से कहा महाभागाओ आओ मैं आपका स्वागत करता हूँ। अब महाभाग कह दिया, गोपियां बहुत प्रसन्न हो गए, देखो हमें बुलाया और कितना सम्मान दे करके हमसे बात कर रहे हैं। आओ महाभाग पधारो स्वागत करता हूँ, इतना चढ़ा दिया पहले तो, फिर बाद में क्या कह रहे हैं, कहो कैसे आना हुआ, कहो कैसे आना हुआ। अब गोपियां बोले भी तो क्या बोले, ये क्या हुआ हम आपको बताए, क्या हुआ, जैसे हम आपसे कहें कि आप हमारे घर आना, जरूर आना, और जब आप हमारे घर पहुंचो आप कहोगे कि कल महाराज जी बहुत कह रहे थे चलो चलते हैं, हो आते हैं। और आप जब हमारे घर पहुंचो दरवाजा बजाओ, जैसे हम द्वार खोलें आपको देखें और आपसे कहें आओ आओ पधारो, कहो कैसे आना हुआ, आप कहोगे लोग इन्होंने तो बुलाया था, यही तो कह रहे थे हमारे घर आना घर आना, और आज हम आ गए तो कहते हैं कैसे आना हुआ। यही तो गोपियों के साथ हुआ कि प्रभु ने ही तो बुलाया है, और जब गोपियां आ गई तो भगवान भी कह रहे हैं गोपियों प्रूत आगमन कारण, आने का कारण कहो क्यों आई हो। सब गोपियां चुपचाप खड़ी हो गई, कुछ ना बोल पाए। अब अर्धरात्रि का समय हो तो थोड़ा बहाना भी लगा दे, भाई दिन में यदि दिन की कोई बात होती तो कह भी देती कि हम लकड़ी लेने आए हैं, घास लेने आए हैं, पत्ते लेने आए, कुछ भी बहाना लगा देती, लेकिन अर्धरात्रि में का समय है अब बहाना भी क्या बनाए। अब तो गोपियां फंस गई, कुछ बोल ही नहीं पा रही है, सब चुपचाप खड़ी है। लेकिन परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव ये क्या भगवान ने खुद ही तो इनको बुलाया है और अभी ऐसी अटपटी बातें कर रहे हैं, ये क्या बात है, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित यही तो ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म जीव को पहले अपनी शरण में बुलाता है, सब मेरी शरण में आ जाओ, फिर वो भली बातें उनकी परीक्षा लेता है। अब प्रभु ने गोपियों को बुला तो लिया लेकिन ये परीक्षा ले रहे हैं, ये कुछ मांगने के लिए आई है या मुझे ही पाने के लिए आई है। यदि ये किसी इच्छा की चाह रखती है, किसी वस्तु की चाह रखती है, तो मैं अभी इनको वो दूंगा और इन्हें वापस कर दूंगा, अभी इन्हें वापस कर दूंगा। लेकिन यदि ये कुछ नहीं चाहता के मुझे ही पाने आई है, मुझे ही चाहती है, तो फिर मैं इनको अपने आप को दे दूंगा और इनके साथ महाराज करूंगा। लेकिन गोपियां सब शांत खड़ी रही, कोई कुछ ना बोली, भगवान समझ गए यदि इनके मन में कोई चाह होती, कुछ इच्छा होती,
तो ये बोलती जरूर लेकिन ये चुपचाप खड़ी है। गोपियों की मौन स्वीकृति भगवान को प्राप्त हो गई। भगवान समझ गए कि ये कुछ वस्तु को नहीं, ये मुझे ही चाहती है। भगवान ने कहा गोपियों, मैं आपके प्रेम का दर्शन कर रहा हूँ, तो चलो मैं आपके साथ रास करता हूँ। जैसे भगवान ने रास शुरू किया, उस रास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बोले क्या? जैसे ही भगवान रास करने लगे, रास भी इतना अद्भुत हुआ था प्रारंभ कि जितनी गोपियां थी मानो उतने ही कृष्ण सबको दिखाई दे रहे थे। सबको ऐसा लग रहा था कृष्ण हमारे साथ है, वो कहती हमारे साथ है। यानी जितनी गोपियां हैं मानो उतने ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। जैसा सूर्य एक ही है लेकिन हजारों पात्र में जब जल भर के रखा जाए, जिस जल में पात्र में सूर्य की किरण जाएगी उसमें सूर्य अलग दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि सभी पात्रों में सूर्य थोड़ा थोड़ा कटकट के दिखाई दे, हजारों पात्रों में सूर्य भी हजार रूप में दिखाई देगा। ऐसे ही हजारों लाखों गोपियों में कृष्ण सबको ऐसे लग रहा है जैसे हमारे साथ है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ गोपियों को अभिमान हो गया और राधा रानी को गुमान हो गया। हम इनकी प्रिया हैं, प्रियतमा हैं, कुछ विशेष रास होना चाहिए था किशोर जी रूप में, और गोपियों को अभिमान हो गया। हम भी कोई कम सुंदर नहीं है। कैसे हमारे साथ रास हो रहा है, ऐसे तो राधा रानी के साथ हो रहा है। इनको अभिमान हो गया। आप मेरा दर्शन करें महाराज, बड़ा सुंदर भाव। आचार्य सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। आज गोपियों और राधा रानी के इस गुमान और अभिमान को दूर करने के लिए भगवान उन लाखों गोपी के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। उधर राधा रानी को भी छोड़ के चले गए। जब किसी के पास कृष्ण नहीं है, किसी को कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, सब गोपियां रोने लगी। स्थिति बिगड़ गई गोपियों की रोते रोते। कभी वट देवता से पूछती, कभी पीपल देवता से पूछती, कभी पृथ्वी देवी से पूछती। स्थिति बिगड़ गई गोपियों की। आप जरा दर्शन करो, आचार्य शिवदेव स्वामी कहते राजा हिल क्या ले लेके गोपी रोने लगी, कृष्ण कहां चले गए छोड़कर, अभी तो यही थे, अभी तो हम सबके बीच में थे, जहां देखो वही कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहे थे, आज एक भी कृष्ण नहीं दिख रहे हैं। गोपियां हिल क्या ले लेकर रो रही है। आप जरा दर्शन करें, ढूंढते ढूंढते आगे चली तो रास्ते में किशोरी जी भी बेहोश पड़ी है, उनके पास में कृष्ण नहीं। यमुना जल के छींटे किशोरी जी के मुखार बिंद पे लगाए, उन्हें चैतन्यता आई, किशोरी जी उठ करके खड़ी हुई। तो गोपियों ने पूछा, किशोरी जी हमने तो सोचा था कि श्याम सुंदर आपके पास होंगे, पर आप भी अकेली हो। राधा रानी ने बताया कि गोपियों, जो गलती तुमसे हुई किंचित वही गलती मुझसे भी हो गई, जिसके कारण कृष्ण मैं छोड़ के चले गए। ब्रह्म को ये गुमान और अभिमान दोनों ही पसंद नहीं है, ये दोनों ही उन्हें पसंद नहीं है। तो गोपियों ने कहा अब क्या करें, वो कैसे मिलेंगे। तो राधा रानी ने बड़ा अद्भुत रास्ता बतलाया। जीव यदि ब्रह्म को पाने का प्रयास करता है, ब्रह्म को पाना चाहता है, तो उसे भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। बिना भक्ति के आश्रय लिए जीव ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकता। तो यहां जीव कौन है, बोले गोपियां, ब्रह्म कौन है, कृष्ण। तो भक्ति का आश्रय लेना है, किसका लें, बोले श्री यमुना महारानी का। श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जो कि भक्ति स्वरूप है। राधा रानी सभी जीव रूपी गोपियों को लेकर के आई, ब्रह्म रूपी कृष्ण को पाने के लिए यमुना रूपी भक्ति का आश्रय लिया है, और वहीं बैठ करके इन्होंने कृष्ण की याद में बड़ा सुंदर भागवत का 19 श्लोकों में
इस गोपी गीत का गायन किया है। कृष्ण मिलन की लालसा को लेकर के इस गोपी गीत का गायन किया है। ये गोपी गीत जो है ये मेरे गोविंद के मुख्य प्राण माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत संपूर्ण कृष्ण का स्वरूप है, इसमें 12 स्कंद हैं, जो दसम स्कंद है ये मेरे गोविंद का हृदय है। दसम स्कंद में 90 अध्याय हैं, 90 अध्यायों में जो 5 अध्याय हैं 27, 28, 29, 30, 31 29, 30, 31, 32, 33 ये जो 5 अध्याय हैं ये पंच प्राण हैं, जिन्हें हम भागवत में रास पंचाध्यायी कहते हैं। और इन पंच प्राणों में 5 अध्यायों में जो 31वां अध्याय है ये गोपी गीत का है, इसलिए गोविंद का मुख्य प्राण है। गोप्य उचो जयति ते दिगम जन्मना व्रज श्रेय देहा शश्वत्र Oh,
स्मरण की लालसा को लेकर के सभी गोपियां यमुना के तट पर बैठ करके भगवान को याद कर रही हैं। बड़ा अद्भुत इन्होंने मंगल गीत गोपी गीत का गायन किया है। आचार्य शुभदेव स्वामी कहते राजन, उस गोपी गीत के अद्भुत भाव को सुनते ही गोपियों के सुंदर भाव को जब प्रभु ने सुना है तो देखते ही देखते महाराज तासामा विरभूत छोरी सुमय मुखाम्बुज पीता वरधर सृगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ। देखते देखते मोर मुकुट धारण किए पीताम्बर धारी श्री वृंदावन बिहारी रास बिहारी राधा रानी के सहित उन हजारों लाखों गोपियों के मध्य में साक्षात प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। जुगल रूप में मेरे गोविंद और किशोरी श्री राधा रानी साक्षात प्रकट हो गई और गोपियों से कहने लगे प्रभु कि गोपियों आज मैंने आप सबके अनंत प्रेम का दर्शन किया है, दिव्य प्रेम का दर्शन किया है, मैं आपके प्रेम का ऋणी हो गया हूँ। गोपियों आओ मैं आपके साथ अब महाराज करता हूँ। पहले जो किया वो राज था लेकिन अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो महाराज है। मैं आपके प्रेम का सदा सदा के लिए ऋणी रहूंगा। आज गोपियों के अद्भुत अनंत प्रेम का प्रभु ने दर्शन किया। कृपा पूर्वक आज प्रभु ने ब्रज में नित्य रास महाराज किया है। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। ये बड़ा सौभाग्य है हम सबका, केवल भागवत के माध्यम से ही हमें ठाकुर जी के साथ प्रत्यक्ष महाराज का सौभाग्य मिलता है। ये ऐसा महाराज है नित्य है, आज भी वृंदावन में ठाकुर जी महाराज रोज करते हैं। ऐसा नित्य रास प्रभु ने आज प्रारंभ किया है। शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में ये महाराज हुआ है और मैं आपको जानकारी के लिए बतला भी दूं कि शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी की कृपा से यह दिव्य संयोग हम और आप सभी को प्राप्त होगा। शरद पूर्णिमा में हमारी कथा आपके अगार बलिया में ही आपके जो सरपंच जी हैं लंबरदार जी हैं उनके कुटिया के आंगन में शरद पूर्णिमा से भागवत की कथा होगी तो उसका लाभ भी आप कार्तिक मास में प्राप्त करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की कल ही यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। सरपंच के साथ उनके सभी भाइयों ने और उनके पिताजी ने इच्छा प्रकट करी कि हमारे ठाकुर जी का वो महाराज क्यों ना मेरे आंगन में हो, वह कथा मेरे आंगन में हो। तो उनके यहाँ ये नवरात्रि जो आती है उनके नवरात्रि के बाद में 5 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा आती है और कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है। तो उसी शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में उसी दिन से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा हमारे आपके गार वलिया के जो सरपंच जी हैं मोहन लाल बाली जी और ये परिवार हमारा शिष्य परिवार भी है तो उन्हीं के आंगन में ये कथा होगी तो आप सभी का ये परम सौभाग्य होगा। आइए अभी हम ठाकुर जी के साथ दिव्य महाराज करें। तो महाराज जो हुआ वो ठाकुर जी ने अनंत गोपियों के साथ किया, सखियों के साथ किया। अब ठाकुर जी राधा रानी के साथ तो आ गए लेकिन सखी तो आपको ही बनना पड़ेगा। हम सब मिलकर के क्यों ना ठाकुर जी के साथ भाव से महाराज करें। बोले रास बिहारी भगवान की जय हो। और वो विशाखा सखी कहाँ है? पीछे बैठी है। नहीं चल गए। कि गोकुल में देखियो। अरे भैया सोमू भैया कहाँ है? ए विशाखा सखी आ जाओ रास करो ठाकुर जी के साथ। अरे सुनना रही का कि गोकुल में देखियो वृंदावन में देखियो रे बंसी बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे मोहन संगे राधा नाचे रे मोहन संगे राधा
सुदेश बाली जी, रवि बाली जी, अनिल शर्मा जी, पिंकू जी, सब गोपी आ जाओ, आज सब गोपी हैं, सब बड़े भाव से दरहा बना के महाराज करें, झूमते हुए गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे। मेरी बहुत इच्छा थी क्योंकि रवि वाली जी रामलीला में तो बहुत नाचते हैं, आप सब जानते ही हैं, लेकिन आज मेरी इच्छा थी कि रासलीला में भी ये नाचे। जय जय गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, 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 बंसी बाजे श्याम संगे राधा नाचे, श्याम संगे राधा नाचे, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी बनवारी, वृंदावन 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 कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी। अमित शर्मा मिस्टर मास्टर जी आज के यजमान भी हैं, आप भी पधारे हैं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी।
सुखकारी सुंदर सुखकारी सुंदर सुखकारी वृंदावन कुंज भवन नाचत बिहारी वृंदावन कुंज भवन नाचत बिहारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत बनवारी वृंदावन वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी Oh,
दिव्य महाराज
बड़ा ही दिव्य महाराज प्रभु ने ब्रजमंडल की पवित्र धरा पर किया है। आप जरा दर्शन करें, आचार्य सुखदेव जी हमारे वर्णन कर रहे हैं, हजारों लाखों गोपियां आज अत्यंत प्रसन्न हैं मेरे गोविंद के साथ दिव्य महाराज कर। ठाकुर जी ने सभी गोपियों को अनंत प्रेम प्रदान किया है। आप जरा दर्शन करें, कंस ने यहाँ एक एक करके 3 लाक्षस और भेजे हैं। शंखचूर्ण मायासुत अरिष्टासुत प्रभु ने क्रमशः इन 3 राक्षसों का उद्धार किया है। नारद जी आज सोचने लगे कि लगता है प्रभु भूल गए हैं कि इनको पृथ्वी का भार भी दूर करना है। ये तो ब्रज की बस गोपी ग्वालों में गायों में लग गए हैं, तो मुझे ही चलकर के प्रभु को कुछ ध्यान दिलाना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आप तो नारद जी महाराज सीधे आज पृथ्वी पर आए और मथुरा में कंस के पास गए। नारद जी ने कंस से जाकर के कहा, अरे कंस, तुम्हारा शत्रु दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम उनकी उसे मारने की सोच नहीं रहे हो। महाराज, बहुत प्रयास कर रहा हूं पर क्या करूं, इतने बड़े बड़े राक्षस भेजे पर जो गए कोई लौट के ही नहीं आए, कोई अभी तक लौट के आया ही नहीं। कितना प्रयास किया मैंने, आप जरा दर्शन करें। यहां कंस को बड़ा व्यथित देखा नारद जी ने, तो नारद जी बोले, एक काम करो कंस, तुम किसी को भेजो मत, तुम उनको ही यहां बुला लो। बोले महाराज, वो कैसे आएंगे? बोले तुम्हारे पास जो शिव धनुष रखा है ना, उस धनुष का यज्ञ करो, धनुष यज्ञ करो, मेला लगाओ, मेले में दूर दूर वाले अपने सभी मिलने जुलने वालों को, रिश्ते नातेदारों को सबको बुलाओ और कृष्ण बलराम को लेने के लिए विशेष रूप में अपने मंत्री अक्रूर को भेजना, मंत्री के द्वारा उन्हें यहाँ बुलवाओ, जब वो मथुरा में आ जाए तो धोखे से मार देना, तुम्हारा शत्रु मर जाएगा। कंस बोला नारद जी से कि महाराज, आपने उपाय तो बड़ा अच्छा बताया, उपाय तो आपने बड़ा बढ़िया बताया महाराज, अब तो लगता है यही काम सफल होगा मेरा। नारद जी बोले, बिल्कुल करो और बिल्कुल शांत मत बैठो, जल्दी करो। और सुनो कंस, मुझे परसों ये समाचार चाहिए कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। यहां कंस बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी कंस से मिलकर के सीधे कहां पहुंचे, उस वृंदावन में मेरे गोविंद के पास, ठाकुर जी के पास गए। प्रभु ने कहा, आओ नारद जी, आज तो बड़े दिनों में चक्कर लगाए। बोले महाराज, आना पड़ा, आप तो भूल ही गए हो, कंस को मारना नहीं है, पृथ्वी का भार दूर नहीं करना, आप तो सब तो भूल ही गए। श्री राधा, श्री राधा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आप जरा दर्शन करें महाराज, बड़ा सुंदर अद्भुत भाव बतलाए। आज आज
महाराज नारद जी महाराज सीधे वृंदावन में पधारे, मेरे गोविंद से आकर के मिले। आज नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो भूल ही गए हो, पृथ्वी का भार दूर नहीं करना कि कंस को मारना नहीं है क्या? नारद जी से प्रभु ने कहा, नारद जी ना ही मैं किसी को मारता हूँ ना ही किसी को बचाता हूँ। जीव अपने सत्कर्म से बचता है, दुष्कर्म से मरता है। लेकिन हाँ, अब कंस के पाप का घड़ा भर चुका है, अब ज्यादा समय नहीं है, अतिशीघ्र ही मैं उसे मार दूंगा। इधर नारद जी बोले, महाराज मुझे नहीं पता, परसों मुझे ये समाचार चाहिए कि कंस की मृत्यु हो गई। प्रभु मुस्कुराने लगे, और वहां क्या क्या के आए हो? कंस से क्या बोल के आए हो कि परसों कृष्ण की मृत्यु हो, और मुझसे कह रहे हो परसों कंस की मृत्यु हो? नारद जी हंसने लगे, बोले महाराज क्षमा करें, आप मेरे स्वभाव से तो परिचित ही है, मरना किसे है ये तो आप जानते ही हैं, आपको भला कौन मार सकता है, आपको मारने वाला है कोई इस दुनिया में? महाराज प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे, नारद जी अब ज्यादा समय नहीं है, अति शीघ्र ही मैं कंस को मार दूंगा। नारद जी को प्रभु ने आश्वासन दिया, नारद जी प्रस्थान कर गए। कंस ने अपने मंत्री अक्रूर जी को वृंदावन भेजा कृष्ण बलराम को लेने के लिए। कृष्ण बलराम आज अक्रूर जी के साथ मथुरा नगरी पधारे, बाबा की आज्ञा से। मथुरा नगरी भ्रमण करते समय कन्हैया ने मारा धोबी का उद्धार किया, सुदामा नाम के माली का उद्धार किया, दर्जी पर कृपा की, कुब्जा की चंदन सेवा लेकर के कुबड़ी कुब्जा पर कृपा की, और जहाँ शिव धनुष रखा था उस शिव धनुष को जाकर के प्रभु ने प्रणाम किया। जिस धनुष को कंस को जब प्राप्त हुआ था शिव जी के द्वारा, तो कहा गया था कि नारायण के सिवा तो कुछ तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा प्रभु तुझे छोड़ेगा नहीं। उस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता था। मेरे गोविंद आज छोटे से कन्हैया मात्र 11 वर्ष 56 दिन के हैं, गए शिव धनुष को प्रणाम किया, जाते प्रभु ने इशारे मात्र से शिव धनुष को उठा लिया, और देखते ही महाराज धनुष ने दो टुकड़े किए। जो धनुष टूटा पूरी मथुरा नगरी में भगदड़ मच गई, अपराध अपनी मच गई, सैनिक दौड़े दौड़े गए कंस के पास, बोले महाराज अनर्थ हो गया, धनुष टूट गया। जो कंस ने सुना धनुष टूट गया, कंस भयभीत हो गया। महाराज महावत से कहा कि उबलिया पीठ हाथी को खुला छोड़ दो, 10,000 हाथियों के समान बलशाली उबलिया पीठ हाथी। महावत से इशारा कहा कि जब वो दोनों बालक रणभूमि में रंग भूमि के द्वार पर आवे, तुम इस उबलिया पीठ हाथी को पागल करके खुला छोड़ देना। महावत ने जैसे कृष्ण बलराम को रंग भूमि के द्वार पे आते देखा, उबलिया पीठ हाथी को खुला छोड़ दिया। ये परम शक्तिशाली 10,000 हाथियों के समान बलशाली अकेला हाथी दौड़ा दौड़ा कृष्ण बलराम की ओर भागा है। यहाँ कृष्ण की ओर जाए तो दाऊ भैया पीछे से पूंछ खींच दे, फिर मुड़ के दाऊ भैया की ओर भागे पीछे से कन्हैया पूंछ खींच दे, फिर मुड़ करके कृष्ण की ओर भागे दाऊ भैया पूंछ खींच दे। इतने परम बलशाली हाथी को इन्होंने खिलौना बना लिया। और महाराज पर प्रभु ने एक मुष्टिका का प्रहार जब कुबलिया पीठ हाथी के मस्तिष्क पे किया, ऐसे मूर्छा आ गई और उसकी गर्दन को पकड़ के